सोचो ऐसा होता है कोई पुलिस स्टेशन में जाकर आपके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया है और उस FIR में आपके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाया गया है वो हो सकता है मर्डर करने का, डेकोटी करने का या रेप करने का, उसके साथ साथ किडनैपिंग करने का। तो उसके बाद पुलिस उस FIR के कंटेंट्स को देखकर आपको अरेस्ट भी कर सकता है। लेकिन मेरे लोग ऐसा भी सिचुएशन है जहां पर पुलिस चाहकर भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। सो मेरे लोग अगर आप जानना चाहते हो वो क्या है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। असल फंडा है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। सो मेरे लोग अगर आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाता है और उसमें जो आपके खिलाफ एलिगेशंस लगाया गया है, चाहे वो मर्डर, रेप, डेकोटी, किडनैपिंग, कुछ भी हो, अगर उसके नेचर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो उस सिचुएशन पुलिस चाहे तो आपको विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट के परमिशन ना लेते हुए ही आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन मेरे लोग सोचो ऐसा होता है आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज किया जाता है और उस कंप्लेंट में जो आपके खिलाफ एलिगेशंस लगाया गया है कि आप उस आदमी को जिसने मतलब कंप्लेंट किया है उसको दो झापड़ मारे हो, उसको गाली गलौज किया हो। इसके साथ साथ आपके खिलाफ ये भी एलिगेशंस है कि आप आपके घर में या आपके लोकेलिटी में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो उस एरिया के एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, इसके साथ साथ आपके नेबर्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाया गया है इसका जो नेचर है वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस सिचुएशन में बिरलो कभी भी पुलिस इंस्पेक्टर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसा कंप्लेन पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है तो पुलिस इंस्पेक्टर का पहला काम बनता है कि वो उस ऑफेंस को मतलब जो एलिगेशन है उसको नोट करे और उसको सेंड करे किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट को अगर उस एलिगेशंस को पढ़कर लगता है कि उस सिचुएशन में पुलिस इंस्पेक्टर को मतलब उस पुलिस इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन करने का परमिट दे सकता है। लेकिन मेरे लोग इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट वारंट उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हो। आप कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में विदाउट वारंट मतलब विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब आप अरेस्ट के अलावा आप सब कुछ कर सकते हो जो आप एक कॉग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन में करते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे लोग सोचो ऐसा होता है आपके पास जो कंप्लेन आता है उसमें चार पांच एलिगेशंस है और पांच एलिगेशंस में चार एलिगेशंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है लेकिन एक एलिगेशन जो है वो कॉग्निजेबल केसेस से रिलेटेड है। तो मेरे लोग इस सिचुएशन में क्या एक पुलिस इंस्पेक्टर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? सो लोग जब भी पुलिस इंस्पेक्टर के पास ऐसा कंप्लेन आता है जहां पर तीन चार एलिगेशंस है और उसमें अगर एक एलिगेशंस कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड निकल गया तो उस सिचुएशन में कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड जैसे इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऐसा कर सकता है। मतलब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है। सो लोग आज के लिए इतना ही। आपके खिलाफ अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाकर FIR या कंप्लेन दर्ज करवाता है तो आप काइंडली ये पता लगा लेना कि आपके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाया गया है वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो आप आपके वकील से बात कर एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके खिलाफ जो एलिगेशंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, आपको पुलिस without warrant arrest नहीं कर सकता। So my लोग hope you like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and hit the bell icon.